विजन 11 में आप अकाउंट कैसे बनाएंगे, केवाईसी कैसे करेंगे, आपको किस तरह से करना है केवाईसी, पैसा इसमें ऐड कैसे करेंगे और विजन 11 में टीम बना करके आप कैसे खेलेंगे, सारा कुछ आपको मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सारा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इसमें अकाउंट बनाना है। तो चलिए आपको बताता हूँ किस तरह से आपको करना है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से आपको विजन 11 एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे VISION लिखना है आपको, यहाँ पे विजन 11 एप्लीकेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको प्ले यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन है, तो आप अगर पहले से लॉगिन किए हैं यहाँ पे रजिस्टर कर लिए तो आप लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर कर देना है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे नंबर इंटर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर इंटर कर दिया और यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर कर दिया है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेना है और यहाँ पे सारा कुछ पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है कि आप 18 साल से ऊपर हैं या कम है, तो आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ टाइम वेट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर पे हो, यहाँ पे OTP आएगा, जैसे कि जो भी आपने मोबाइल नंबर देंगे उस पे OTP आएगा, तो OTP को इंटर करना है और ईमेल आईडी पे भी OTP आएगा तो OTP को यहाँ पे इंटर कर लेना। चलिए मैं OTP इंटर कर लेते हैं। ईमेल आईडी पे OTP आने के बाद इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेट नेम का ऑप्शन आ रहा है, सेट टीम नेम यानी आपका नाम यहाँ पे इंटर कर लेना, जो भी आपका नाम है, यहाँ पे नाम अपना इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रेफरल कोड है तो रेफरल कोड इंटर कर सकते हैं या आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा स्टेट से आप हैं, स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेट टीम नेम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे टीम नेम अपडेट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ से टीम बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कल का यहाँ पे क्रिकेट है, जो यहाँ पे IPL है, CSK और कोलकाता नहीं चल रहे हैं, चेन्नई और कोलकाता का यहाँ पे मैच है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे टीम बनाने के लिए आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्रिएट टीम का ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट टीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप टीम को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बैट्समैन में आप क्रिएट कर सकते हैं, ऑलराउंडर में आप टीम सेलेक्ट कर सकते हैं प्लेयर को। उसके बाद यहाँ पर आपको बॉलर में आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेव टीम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव टीम पे क्लिक करने के बाद आपका सेव हो जाएगा टीम। यहाँ पे माई टीम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप टीम अपना देख सकते हैं कि आपका टीम कौन सा है, कैसा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक जाने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पे कॉन्टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पे आपको पैसा ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐड कैश का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड कैश यहाँ से अलाउ यहाँ पे आपको परमिशन दे देना है। उसके बाद यहाँ से आपको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे पैसा आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पैसा ऐड करने के लिए आधार कार्ड यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, आधार कार्ड आपको यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। आपका KYC यहाँ पे कंप्लीट हो, डिजी लॉकर के द्वारा कर सकते हैं या वेरीफाई मैंडेटरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं आधार कार्ड का फोटो बैक साइड फॉर राउंड साइड, यहाँ पे आप अपलोड करके आप नाम वगैरह डाल के सबमिट करके आप अपलोड यहाँ से कर देना है, तब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा KYC। उसके बाद पैसा ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको वीडियो करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है वेरीफाई टू वीडियो, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड, फिर आपका बैंक पासबुक को वेरीफाई करना है, तब आपका यहाँ पे कंप्लीट KYC हो जाएगा। आप यहाँ से पैसा ऐड करके आप खेल सकते हैं, यहाँ पे पैसा ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप खेल सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से आपको देख सकते हैं कंप्लीट मैच में आपका कंप्लीट मैच दिखेगा और आपका यहाँ पे प्रोफाइल है, नीचे प्रोफाइल आपका दिखेगा कौन सा, यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। तो इसी तरह से आप भी इसमें अकाउंट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको इसमें टीम बनाना है और किस तरह से आपको KYC करना है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया विजन 11 में अकाउंट किस तरह से बनाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सुनील कुमार के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।